मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में संसदीय सीट पर बुधवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र पटेल की नामांकन रैली में शामिल होकर जनसभा को संबोधित किया। नामांकन रैली का जगह जगह भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा में कहा कि इस बात की प्रसन्नता है कि खरगोन और खंडवा सहित पूरा निमाड़ बेल्ट जिस हिसाब से कार्यकर्ताओं की ताकत लगी और जिस हिसाब से मोदी जी के प्रति प्रेम दिखा है, मैं आनंद के साथ कह सकता हूं कि पूरा मध्य प्रदेश मोदीमय हो गया है। आज हमने सारे मित्रों के साथ नॉमिनेशन फॉर्म भरा है और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस ढंग से हमने शुरुआत की है उतना ही अच्छा आशीर्वाद बाबा ममलेश्वर और बाबा ओंकारेश्वर का मिलेगा। टंटिया मामा की धरती से हमने आज चुनावी शंखनाद किया है। जवाहर मार्ग पर आयोजित सभा में सीएम ने कांग्रेस के घोषणा पत्र सहित पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भाषण का हवाला देकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस फिर घोषणा पत्र ला रहे हैं और मनमोहन सिंह ने कहा था कि इस देश के सभी संसाधनों पर मुस्लिमों का अधिकार है। जरा शर्म आ रही है कि नहीं? कांग्रेस सर्वे करवाएगी, जिसके पास ज्यादा संपत्ति है, ज्यादा सोना है, उनसे छीनकर जिनके पास नहीं है उनको दे देंगे। किसने कहा था? हमने नहीं कहा। आपके प्रधानमंत्री मनमोहन आज भी जिंदा है। जैसे ही हमने इनका घोषणा पत्र बताना चालू किया तो हाय हाय करने लगे। सभा में प्रत्याशी पटेल सहित अन्य नेता मौजूद रहे। खरगोन लोकसभा के लिए आज मैं नॉमिनेशन फॉर्म के लिए आया हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, खरगोन और खंडवा सहित हमारा पूरा निमाड़ बेल्ट जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं की ताकत लगी और जनता का मोदी जी के प्रति प्रेम दिखा है, मैं अत्यंत आनंद के साथ कह सकता हूँ कि ये पूरा मध्य प्रदेश अभी मोदीमय हो चुका और उसमें निमाड़ और मालवा तो और कई गुना आगे है। आज खरगोन में नॉमिनेशन भरने के समय मेरे साथ हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, हमारे प्रत्याशी गजेंद्र सिंह जी पटेल, जो अभी तिबारा आज हमारे बीच नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए उपस्थित हैं, यहाँ के हमारा माननीय विधायक माननीय पाटीदार जी, ऐसे अवसर पर जिलाध्यक्ष जी और सारे मित्रों के साथ हमने फॉर्म भरा है और उम्मीद करता हूँ कि जिस ढंग से हमने शुरुआत की है उतना ही अच्छा आशीर्वाद बाबा ममलेश्वर का मिलेगा, ओंकारेश्वर महाराज का मिलेगा। टंटिया मामा की धरती पर हमने चुनावी शंखनाद किया और मुझे इस बात के लिए आनंद भी है कि आज ही के दिन हमारी अपने मध्य प्रदेश पर माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन आपसे 2 घंटे बाद होने वाला है। आज उनकी 2 सभाएं और रोड शो भी है और आज ये उनका आना शुभंकर रहेगा। आज का दिन ये अविस्मरणीय रहेगा। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। खरगोन से अब्रार पठान की यह रिपोर्ट।